शाहबाद मारकंडा से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने आधा दर्जन गांवों का किया धन्यवादी दौरा। दौरे के दौरान शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने गांव बचगावां के सरकारी स्कूल का किया औचक निरीक्षण। स्कूल की समस्याओं के बारे स्कूल की मुखिया ने विधायक को दिया मांग पत्र। जजपा विधायक रामकरण काला जीत के उपरांत अपने क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को उन्होंने लगभग दर्जन भर गांवों का दौरा किया। सबसे पहले रामकरण काला गांव बजगावां पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। देखो, हमारे हल्के के दौरे शुरू हैं। आज बजगावां में गामड़ी में लुक्की फंक्शन पर और भी 5-7 जितने डेली जितने गाँव निकट अपना धन्यवादी दौरा भी आया। गली लोगों की जो डिमांड है, चाहे किसी की पानी की या बिजली की तार की या मकान की या पीड़े कार्ड की या पेंशन की कोई या गली नाले की कोई भी है, हम सब डिमांडों को सुन रहे हैं, उनकी डिमांड ले दे। अब यहाँ बजगांव स्कूल में भी आए, स्कूल में बजगांव आया का तो देखा, बच्चों को पूछा, हमने बच्चों को पूछा बच्चे का पढ़ाई ठीक चल रही, तो बच्चे अच्छी बात है पढ़ने चाहिए। यहाँ हाजिर रजिस्टर भी चेक किया, हाजिर रजिस्टर चेक कराया, हाजिर रजिस्टर चेक पूरे हैं, मतलब टीचर पूरे हैं। तो स्कूल की तरफ से कोई मांग पत्र दिया है? स्कूल की मांग पत्र स्कूल की तरफ से हमने मांग पत्र ले लिया, जो भी की मतलब मांग पत्र मांगो उसने जो काम है तो स्कूल का काम अच्छा काम है, वो जरूर कराना। हमने देखे बहुत कुछ, देखे हमने 20 साल में सीखे भी देखे भी, जिस टाइम पावर आ जाए गली बड़ी पावर आएगा, गली बड़ी बदल जा, चाहो जिला परिषद मेंबर बढ़ जा, चाहो पंचायत मेंबर सारे तो नहीं है अगर एक आधा बताया से अभी मतलब बहुत सी मतलब देखे बदल देखे हमने। आपने देखा होगा आपके अपने पड़ोसी आपने देख भी लिया होगा बैठे यहाँ से, मैं कह रहा हूँ तो कह लूंगा आपने सब कुछ पता, पर इंसान जो भाईचारा जो भाईचारे में रहेगा तो वो सदा ही मतलब भाईचारा रहेगा। सारे जितने बैठे एम एल ए आप हो, सारे जितना जितना वोट मांगे वोट पाई, मेरी माता जी बैठी मैंने देखी, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा तुम्हें। मैंने देखा हमने उन चीजें देखा बनने के बाद, सरदार जी गए हमारे सरपंच साहब गए या प्रकाश जी गए बैठे बाहर, आप अंदर बैठा मारे हमें भी काम है बाहर जो बैठे हो 2 घंटे से, क्या तुम्हें क्या मजबूरी है कितनी जल्दी जाना क्या नहीं जाना, हमारे को 2-2 घंटे बैठा कर बाहर रखे, हमारा खुला खतरा है 4 बजे 6 बजे चाहे 5 बजे चाहे जिस टाइम मर जाए, हमारा तो खुला खतरा भी जिस टाइम मर्जी कोई हो। पहले विधायक भी कोई बन कर गया भी बाहर 2-2 घंटे बैठाएगा, हमारा वो काम नहीं है, हमने हमने कभी वो काम करा पहले नहीं करे अब नहीं करे, आप जब मर्जी आओ आपके 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, और वहां जाने के बजाय मैं उस दिन का मेरे को एक मिनट का डेढ़ माने मैं तभी मैं अपने बुजुर्गों का अपने युवा साथी अगर मैं अपनी माता बहन का तो धन्यवाद मामा करता हूँ, एक बारी सबसे मिलता हूँ, उसके बाद मेरी वही टीम रहा जो पहले है, जब मर्जी में जिसको मर्जी घूम आएगा जहाँ मर्जी बैठ गए जहाँ मर्जी चलेगा वैसे चला गया, वजह से रुकी कोई वैसे रुकी या कोई एस सी बी सी की तरफ सड़ा जनरल की तरफ सड़ा या कोई 5 साल हुए सरपंच साहब ने तो पता अभी 5 साल हुए पूरे कोई ऐसे कोई कॉलोनी नहीं मिली जैसे पहले कॉलोनियां मिली थी, अभी खूब ऐसी कॉलोनियां मिली नहीं, और तो ऐसे बुजुर्ग बैठे बीच में जिनकी उम्र पूरी हो रही और कागजा मो कमा उसका बड़ा दिक्कत आओ कौन दिन ठीक मकान के ऊपर तारा दे रही, अब 5 किलोड़ा मजदूर किसी ऊपर दे रही तार एस्टिमेट बना 70,000। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।